हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्सजोन 21। आई होप आप और आपकी फैमिली बेहतर होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भारत सरकार द्वारा एक लॉन्च की गई योजना के बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। सो फ्रेंड, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान ऑलरेडी आने ही वाली है फ्रेंड, क्योंकि ये जो योजना है ये 42 करोड़ से अधिक इसका लाभ होने वाला है श्रमिकों को। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको पूरी तरीके से शो कर रहा है। और ये योजना किसके लिए है ये भी हम आपको बता दें। ये योजना जो है 60 वर्ष की उम्र के बाद जो हैं लोग वृद्धा मतलब पोजीशन में, उनके लिए ये पेंशन के रूप में 3000 रुपये मासिक मिलेगा। ठीक है, तो हम इसका जो है कि पूरा डिटेल आपको बता दें कि कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, क्या इसमें चाहिए, ये हम सारा डिटेल आपको अपने वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं फ्रेंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो योजना है ये 15 फरवरी 2019 को लागू हुई थी और ये जो है कि लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम इसका और डिटेल बता दें आपको कि क्या है इसमें। ये है 18 साल, लाभार्थी जो है वो उसकी आयु 18 वर्ष से ले कर 40 साल के अंदर होनी चाहिए। वो हर युवा, हर जो है कि महिला इसका लाभ उठा सकती है और आगे उनका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। उनको किसी के ऊपर जो है कि डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी आजकल माहौल बहुत ख़राब हो रहा है कि जो बच्चे अपना है कि अपने माँ बाप का ख्याल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो हर माँ बाप को अपना जो है कि हर इंसान को अपना फ्यूचर भविष्य खुद बनाना चाहिए। ये योजना जो है कि मुझे तो लगता है कि सबके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। सो फ्रेंड, चलिए हम इसका डिटेल बता दें कि ये कब और कैसे है, स्टार्ट हुई है और किसके लिए है। तो ये हम आपको बता दें कि ये योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत नागरिकों के घरेलू कामगार, ड्राइवरों, सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम अंशदान में अपना योगदान कर सकता है। ठीक है, प्रीमियम मतलब सालाना इसमें, इस योजना पर पहले स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें कुछ पैसे कम जो है कि कम अमाउंट में पैसे आपको कुछ जमा करना होगा। और ये जो है कि योजना आपको हम बता ही दिए हैं कि 18 से 40 वर्ष के आयु के लोग इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। चलिए आगे हम आपको इसका मेन पॉइंट बता दें कि इसमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आयु के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 660 रुपये से 2000 रुपये तक जमा कराए जा सकते हैं। 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन योजना के तहत आप लोगों को मिलती रहेगी और आपका जीवन जो है कि ईजिली कट जाएगा। आराम से किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब ये हम आपको बता दें कि ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य ही यही है कि 60 साल पे जो वृद्धा बुढ़ापे का जो टाइम आता है, वृद्ध टाइम, तो उसमें जो है कि लाभार्थी को ये पूरी तरीके से लाभ पहुंचाने वाली ये योजना है फ्रेंड। तो हमें लगता है कि हर इंसान को इसमें जो है कि इस योजना का लाभ लेना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये आपको हम पूरा डिटेल बता दे रहे हैं कि ये कब स्टार्ट हुई थी। देख लीजिए आप कि 15 फरवरी जो है कि 2019 को ये स्टार्ट हुई थी और लॉन्च की गई थी 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये जो स्कीम स्टार्ट हुई थी इसका नाम आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और ये जो लॉन्च किसने किया था ये भी मैं आपको बता दें, मिस्टर पीयूष गोयल द्वारा ये हुई थी। चलिए अब हम आगे इसका मेन पॉइंट बताते हैं कि इसमें क्या है। और ये भी आप जान लें कि ये जो है कि पर मंथ आपको 55 रुपये मंथ
और 200 रुपये पर मंथ आपको जमा करना होगा। ये सबसे कम अमाउंट है और पेंशन अमाउंट आपको ये इसमें शो कर रहा है, और पहले भी हमने आपको बताया है कि 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और कैटेगरी भी हम आपको बता दें, ये जो कैटेगरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो है कि भारत सरकार द्वारा ये योजना है, हर स्टेट में हर राज्य में ये योजना लागू होगी। फ्रेंड आपको ये पॉइंट करना चाहिए कि ये हर राज्य के लिए ये है, ये नहीं है कि ये हरियाणा या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या किसी अदर स्टेट के लिए सिर्फ नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, सब जगह सारे राज्य में होगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लें कि इस ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ पर आप जाके इसका फुल डिटेल ले सकते हैं कि क्या योजना है कैसा है। फिर आप जाकर इसको ऑनलाइन किसी कैफ़े में या फिर जनसेवा कल्याण केंद्र में जाकर इस फॉर्म को भर लीजिएगा आराम से और इसका लाभ उठाइएगा। अब हम आपको ये बता दें कि लाभार्थी की मृत्यु पर या अपांत होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ, ये भी हम बता दें कि अगर जो इंसान इसका पेंशन भर रहा है पर मंथ 200 रुपये और 660 रुपये, ये तो इतना वो भर रहा है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर भगवान न करे अगर ऐसा हो गया तो ये जो है कि जो इसका नॉमिनी होता है ना, जिससे बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें भी नॉमिनी पूछता है, तो इसी तरह इसमें भी ये नॉमिनी होगा और उसको इसका लाभ पहुंचेगा। ठीक है, ये इसका जो है कि पूरा नियम हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे हम आपको इसका अपडेट बताते हैं कि ये योजना जो मार्च में अपडेट हुई है तो इसमें क्या अपडेट हुआ है। इस योजना में माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 साल की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को 3000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। और इसमें हम आपको ये बता दें कि योजना के अंतर्गत अब तक जो है 44.90 लाख लोग जो है कि इसमें पंजीकरण करवा चुके हैं। सो फ्रेंड हम चाहते हैं कि आप लोग भी जल्द से जल्द इस योजना में पंजीकरण करवाइए और अपने भविष्य को मजबूत कीजिए। ठीक है, और ये भी हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि ये जो राशि है ये 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक कर दी गई है उम्र के हिसाब से हमने बताया था ना कि जो 18 साल के हैं 18, 19, 20, 21, 22 तो उन लोगों को कम पैसा जमा करना होगा, और जो 30 के बाद के हैं जैसे 31, 32, 35, 34 ये और 40 के अंदर के हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप जो है कि जितनी जल्दी इसमें आप पंजीकरण कराएंगे आपको उतना ही कम पैसा भरना होगा, और हमने बता ही दिया है कि अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके नॉमिनी को इस पेंशन का जो है कि लाभ पहुंचेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको लगे कि यहाँ से जानकारी आपको कम मिली है तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करके इस पूरी नॉलेज ले लें इसका, और उसके बाद इस योजना में अपना पंजीकरण आराम से करा लें। और ये जो नंबर है हम अपने आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे फ्रेंड, आप वहाँ से जाकर आराम से इसका पूरा नॉलेज लेकर तभी इसमें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा लें। और हम आपको ये बता दें कि इसमें जो है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जो है कि आप प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में पहले आप जाएंगे, वहाँ जनसेवा कल्याण में कह दीजिएगा कि मेरा जो है कि वहाँ पे डिजिटल सेवा से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए वो हम आपको बता दें कि बैंक का पासबुक ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। चलिए हम आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं कि ये जो योजना की वेबसाइट हमने आपको बताया ही है, और आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो योजना है ये PMSYM, यहाँ पर आप क्लिक करके आप इससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम आपको बता दें कंप्लीट कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको बहुत ही जो है कि ज़रूरी है कि सारी नॉलेज होना, तभी आप इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। तो इसमें हम लाइन टू लाइन आपको बता दे रहे हैं पढ़कर कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले संगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है श्रम के अंतर्गत करने वाले आवेदक का न्यूनतम वेतन 15 हज़ार जो है कि होना चाहिए, ये 15 हज़ार रहेगा तो आप जो है इसमें आराम से इजीली इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है,
आवेदन किसी भी पेंशन स्कीम का लाभ ना ले रहा हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कि अगर इस स्कीम को भर रहे हैं तो आप किसी और तरह के पंजीकरण ना कराए हों, कोई पेंशन ना ले रहे हों, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आप आराम से करा सकते हैं। और आपको ये नेक्स्ट पॉइंट हम बता दें कि लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और जो है कि इम्पॉर्टेंट बात हम आपको ये बता दें कि इसमें क्या है कि हमने आपको बताया था कि आवेदक की मृत्यु के बाद आवेदक के परिवार को पेंशन की 50% राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है, वो नॉमिनी जो हमने आपको बताया था नॉमिनी के तौर पे। और ये भी हम आपको बता दें कि जो योजना का लाभ है ये शैक्षणिक रूप से योग्यता निर्धारित नहीं करती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपकी पढ़ाई नहीं मानी करती है, कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमने 8 तक पढ़ाई किया है या 10 तक किया है या 6 तक किया है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं मांग रहा है, आप बस इसमें जो है पंजीकरण करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है, किसी भी टाइम करा सकता है, बस उसकी एज 40 के अंदर होनी चाहिए। श्रम मानधन योजना जो निकासी पर प्रदान किए जाने वाले जो लाभ हैं वो हम आपको पूरा डिटेल बता दें कि ये जो योजना है वो ग्राहक और उसके पति पत्नी की मृत्यु के पश्चात कोष के वो वापस जमा किया जाएगा, मतलब जो है कि आपके नॉमिनी जो थर्ड होंगे उनको दिया जाएगा, या फिर अगर कोई नहीं होगा तो फिर उसके बारे में आपको डिटेल कॉल फ्री नंबर पे पूछना होगा कि इसके आगे की प्रोसेसिंग क्या है। और हम आपको ये बता दें कि ये योजना जो है कि प्रीमियम के तौर पे LIC एक जीवन बीमा के हिसाब से आपकी ये योजना स्टार्ट होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि इसमें और क्या है, ये देखिए ये कौन कौन इसमें जो है पंजीकरण करा सकते हैं बहुत ही आराम से, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो है कि हम पॉइंट बाय बता दे रहे हैं कि जो श्रमिक हैं, जो ड्राइवर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो मोची हैं, और जो मजदूर हैं, दर्जी हैं, और जो वो हैं घरों में काम करने वाले हैं सर्वेंट काम नौकर लोग, और ईंट भट्टे पे जो काम करते हैं उनके लिए, इन सब के लिए ये योजना बहुत ही गोल्डन चांस है उनके लिए अपने भविष्य को मजबूत बनाने का, सिक्योर करने का। सो फ्रेंड, हम चाहते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में या कोई भी ऐसा हो उसे ये योजना के बारे में बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे वो अपने भविष्य को मजबूत कर सकें, क्योंकि कल किसने देखा ये कोई नहीं जानता। चलिए हम आपको इसके बारे में हम ये बता दें कि क्या है इसमें, तो और कौन इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हम आपको ये बता दें कि कौन नहीं उठा सकता, जो वो इंसान जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हो उनको नहीं मिल सकता ये इसका लाभ, और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हों, जो कोई भी सरकारी कर्मचारी के भविष्य के निधि हों। और ये भी हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य हों, जो इंसान जो है कि अरे इंसान राष्ट्रीय पेंशन मतलब किसी की सरकारी पेंशन आ रही हो, तो उनको भी ये योजना नहीं मिलने वाली इसका लाभ। और राज्य सरकार बीमा निगम के सदस्य अगर हैं तो उनको भी ये इसका प्रॉफिट नहीं होगा। आयकर का भुगतान करने वाला जो लोग है मतलब परिवार है जिसके अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो उनको ये सब योजनाएं नहीं मिल सकती है, ठीक है, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, और जिसे मिलेगा हमने उसे बता ही दिया है। सो फ्रेंड, अब आपको ये बता दें कि अरे जिसमें भी देखिए यहाँ पे इजीली आपको बता दें छोटे संगीत और भूमिहीन खेतिहर मजदूर मछुआरे पशुपालक ईंट भट्टा वाले और पैकिंग करने वाले लेबर जो है, और जो है कि निर्माण आधारभूत संरचना के में कार्य करने वाले जो जो कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए, चमड़े के कारीगर जो हैं उनके लिए है ये, बुनकरों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए है ये योजना, घरेलू काम जो करते हैं उनके लिए है, और सब्जी फल जो बेचते हैं उनके लिए है, प्रवासी मजदूर जो हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं अपना घर छोड़कर, उन सब के लिए ये योजना उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए फ्रेंड, और हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें जो पंजीकरण कराने के लिए दस्तावेज जो है वो क्या चाहिए, तो इसका नॉलेज आपको बिल्कुल होना चाहिए। तो आप ये जान लें कि इसको क्या क्या लेके जाएंगे जब आप जन सेवा कल्याण में जाएंगे, तो इसमें ले कर क्या जाना है दस्तावेज में, तो पहला आपका आधार कार्ड हो जाएगा, दूसरा आपका पहचान पत्र हो जाएगा, और तीसरा बैंक का खाता पासबुक हो जाएगा, और चौथा आपका पत्र व्यवहार का पता, मतलब आपको फुल डिटेल अपना एड्रेस डालना होगा वहाँ पे, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ज़्यादा नहीं है बस इतना ही सब कुछ है, ये सब आप लेके जाएंगे और जन सेवा कल्याण में अपना इसका जो है कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, इस योजना का लाभ उठाइए।
और आधिकारिक वेबसाइट हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जिससे आप वहाँ पे जाके इसका पूरा डिटेल जान सकते हैं और नंबर भी आपको दे देंगे, आप चाहे तो कॉल करके उसके बारे में सब पता कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।